अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी सामान से लोडेड है, हम लोग जा रहे हैं हमारे घर के सबसे छोटे पीस को एयरपोर्ट छोड़ने। आर यू एक्साइटेड? कान नजर आ रहा है तेरा यहाँ से? हमारा सामान देसी फैमिली है हम, हमारा सामान ज्यादा हो जाता है और कुछ फिजा ने ज्यादा अरसे के लिए रहना है, तो ये वाला जो बैग ही एक्स्ट्रा है, ठीक है, ओमान क्रिकेट का फिजा का बैग है। एक ये बैग है, दो बैग्स पीछे हैं। लैपटॉप किधर है? ओके, एक लैपटॉप बैग भी है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को पकड़ा दे और कोई हिसाब बन जाए। एयरपोर्ट जाके देखते हैं। फिजा पासपोर्ट ले आई है इस दफा? वीजा सही पासपोर्ट पे लगा हुआ है? वीजा लगा ही नहीं है। मतलब ओमान का कितने लगा ही नहीं? किधर है फिर वीजा? आईडी कार्ड में आता है। नाइस। कल इसलिए पूछा था क्योंकि आई थिंक दो दफा हम एयरपोर्ट पे आए और तेरा वीजा इसका पासपोर्ट नहीं था। एयरपोर्ट पे आने के बाद घर गए हैं वापस इसका पासपोर्ट लेके आने के लिए। और एक दफा ये बेचारी मलेशिया तक गई क्रिकेट के, उसमें मलेशिया तक गई और वहां जाके देखा इसकी जो पासपोर्ट की स्टैम्प थी वो इसके पुराने वाले पासपोर्ट पे लगी हुई थी। इधर तो अपना स्ट्रगल बता, अपना दुख बताओ उस दिन वाला। बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अकेली पूरी टीम वहां थी और ये अकेली वापस आई हूँ। माँ रोई नहीं थी ना तू? मोमेंट ऑफ ट्रूथ। पासपोर्ट है ये फिजा की पहली अकम्पलिशमेंट। और यार मैं बताना भूल गई थी, फिजा यूके जा रही है। एक मिनट इधर देख, फिजा यूके जा रही है, फिजा पाकिस्तान थोड़ी जा रही है। सर से कपड़े इसलिए पहने क्योंकि फिजा के पास ओवरलोडेड है। इतनी बड़ी सीढ़ी कौन बनाता है यार, इतनी बड़ी। बहरहाल फिजा के पास सामान ओवरलोडेड है जैसे आप देख सकते हैं, तो इसने अपने सामान में से जो सबसे हैवीएस्ट आइटम्स थे वो पहने हैं ताकि इसका सामान का वजन ज़्यादा ना आए। देखने कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है, वेव्स बनी हुई है हमारे एयरपोर्ट में। और मैं अपनी हल्दी वाली चप्पल लेके एयरपोर्ट आई हूँ लंगड़ाते लंगड़ाते। कौन सी वाली है? 8:55 चेक इन। फिजा वहाँ पेरा के साथ खड़ी हुई चेकिंग करा रही है, चेक इन कर रही है बोर्डिंग पास के लिए, और मैं यहाँ हैंड कैरी लेके बैठी हुई हूँ। जब तक उनका चेक इन नहीं होता फिर हम लोग जाएंगे किसी को ढूंढेंगे ये बैग देने के लिए। आई रियली होप हमें कोई ना कोई आज मिल जाए। मेरी बहन ने यार बहुत लंबे अरसे के लिए जाना है, मतलब आई थिंक वी हैव नो आइडिया फिजा ने कब आना है, तो इस वजह से ये और साथ वहाँ पे दो तीन लगेज और है, काफ़ी ज़्यादा सामान जा रहा है उसके साथ। हालांकि अभी तक उसने अपना किट बैग भी नहीं रखा। वेल फिजा का जो था 40 kg था लेकिन 41 हो गया। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, उसके अंदर लैपटॉप। यार ये आप ही को, अगर आप लोगों को याद हो हमारी एक खाला और बहन दोनों एक ही हैं जिन्हें पाकिस्तान रहती है, उन्हें प्लम केक बहुत पसंद है। पर कितनी मुश्किल से मैंने किया था वापिस डल भी है। डाल डाल डाल, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, इस बैग में है बैग अनेक। मैं तो वो बन गई हूँ, पोएट्री वाला बंदा, शायर बन गई हूँ मैं तो। चवले मार रही हूँ बारह। कहाँ जा रही हो तुम? ये बैग कितने केजी है? 1000 kg ये बैग है। 9-10 kg है और ये 10 kg है। इस बेचारे का कंधा तो गया। और यूके के जो तुम कपड़े पहन के जा रही हो ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टूटा कि नहीं टूटा? हीरा के ऐसे एक्ट करना है, फेस पे ऐसे दिखाना भी नहीं कि तूने वजन लिया हुआ है, ठीक है? ये लड़ी है कि इसका कोट खराब हो जाएगा, इसने शीन से ऑर्डर किया है और इसको बहुत अजीज है ये कोट। बहरहाल दिखा, ठीक लग रहा है यार। ये बूट्स चेक करें, आगे बर्फबारी हो तो मेरी बहन मास्क पहन ले। बहरहाल एक और चीज, फिजा की पहली दफा फ्लाइट है विदाउट किसी फैमिली मेंबर या टीम। खुश होती हूँ ऐसे यार। हाँ मैं भी बहुत खुश होती हूँ अकेले फ्लाइट से लेते हुए। मैं खुश होती हूँ और हीरा बहुत दफा के वापस आ रही है क्योंकि मैं मलेशिया में रहनी पड़ती। बहरहाल हीरा भी जो है वो भी अकेले ट्रैवल कर चुकी है, नौमी भी अकेले ट्रैवल कर चुकी है, मैं भी कर चुकी हूँ। फिजा पहली दफा करने वाली है, आई एम श्योर इट्स गोना बी गुड। ये इन्फॉर्मेशन अभी अभी मिली है, ब्रेकिंग न्यूज, ये हीरा का बैग। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इतना अच्छा बैग मुझे पहली बार मिला। ये सबसे छोटी है ना इसलिए इसको ऊपर से यूज होते होते चीजें आके मिलती है।
लड़ी से ही मेरा नहीं है, अभी भी ये गिरा का ही है। ये वहाँ जाके रख के संभाल के रखेगी जब वापस आ गया। फिजा के जाने का टाइम आ गया, फिजा को सबसे भारी बैग पहना देते हैं और हीरा का बैग भी ले ले। हमें वहाँ जाके बाय बाय करी। उधर देखे चल, अल्लाह हाफिज। यार इतना प्यारा एयरपोर्ट है, ऊपर से भी दिखता है और नीचे जो है ना वो आने वाली साइड है, मतलब जो अराइवल्स होते हैं ऊपर सारा डिपार्चर है। अब फिजा नज़र नहीं आ रही है, हम उसको दिखा भी नहीं सकती क्योंकि आगे सिक्योरिटी चेक्स हैं और सिक्योरिटी की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मुझे एक बंदे ने आके ऑलरेडी मेरा फ़ोन चेक कर लिया है, इस वजह से अब रखते हैं। फिजा को बाय बाय बोल दिया, हम बाहर जा रहे हैं। मैंने हीरा को बोला ट्रॉली पकड़ क्योंकि दिस बैड बॉय इज़ इन पेन। ये पाँव बेहद दर्द कर रहा है। हीरा लेफ्ट राइट। बैर मुझे दिखा दे रही ना, कैसा लग रहा है तुझे? बहुत पसंद है। I have been pain. इसमें अब दर्द हो रही है, मैं क्या कर सकती हूँ यार। प्रायोरिटी थी फिजा को भी छोड़ना था। धूप निकल आई है, उड़ी पहले का कोई फायदा नहीं है। इतनी प्यारी धूप निकली, काफी दिन से ही निकली थी, आज बहुत प्यारी धूप निकली है। इस पे सॉलिड बाउंस करती है, अब देखना। प्लीज रुक जाओ, मेरा पाँव टिक रहा, तेज ना गुजारी। अरे हम लोग रोड भी क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अब इधर से उधर अंदर जाके गाड़ी पार्क की है। लकीली शर्म तो मुझे बहुत आई है, आई स्वेयर स्टंट मार दी रहती, लेकिन ये बहुत शर्मिंदगी वाला था। तुझे नहीं आई क्या शर्म? आई नहीं, मुँह नीचे रखा। आगे चाहे मेरा पाँव मार दे कहीं और डैमेज करा दे हैं, इधर ही कर दे। लेट अस सी हमारा कितना है, हमारा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। दो रियाल 100 वो है नाम से। हाँ, दो मिनट भी हो जाएगा। नो क्रेडिट कार्ड पेमेंट एट द मोमेंट। अब नहीं चल रहा क्रेडिट कार्ड तो हम डालेगा खाइश, चले जा। ओके 100 इतना महंगे हो गए यार तुम लोग भी। ओमान एयरपोर्ट्स वालो, डन 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 डन। स्लो फिरा का रियल टेस्ट है। ओए 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 ओए, उसकी शक्ल देखी, डंडे में ना मार दी। रियल टेस्ट था हीरा का वो स्लो। अचमान किन्ना पाला लल्ला, किधर जहर लगी हूँ मुझे, मैं जहर लगी हूँ ये लाइन बोलते हुए। और एक हर्डल हमारी जिंदगी में। बहरहाल उतर जाओ, गाड़ी तूने दूर खड़ी की थी ना, इधर से उतार ना, झूले वहाँ मिलेंगे। अरे इधर से इसने मुझे पजवाना है नीचे। आए, आए। कमर पे लगी है मेरे। कोई आदमी आ रहा, गाड़ी किधर थी? गाड़ी ढूंढेंगे। और हमारा बस स्टॉप आ गया, और हीरा को आज जिम जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हीरा का वर्कआउट हो गया है। उनमें चार्ज नहीं है, घर जाके अब चार्ज करते हैं, फिर अब आप सो के सुबह उठ के मिलूंगी। मैंने कहा थोड़ी सी पट्टी करा लें, पाँव का बुरा हाल है, सूजन भी देखें ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। हाँ जी, ये मेरा एक अदद कज़न है। तू क्यों बाल ऐवें कटा लेता बीच बीच में है? फिर टेंट करा, तू किस रोग में? इधर ही रह के बता दे मुझे जल्दी से। अच्छा वैस को हैप्पी बर्थडे कह दे। इसको देखें, ये एक बिल्ली है, ये मुफ्त में हमारी बीवी है। तुम किधर आके सोफे पे चढ़ी हो? भाग जाओ भाग जाओ। ये पापा देखे कैसे बैठी है ऊपर, ये बैठा है, चल भाग जा। हाँ जी, तो वेलकम बैक। आज मैंने ये वाली भाई की गाड़ी पकड़ी है काम वाली, आज ये वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं। जब तक मेरी गाड़ी नहीं आती, MD लोग सब लोग अस पर लोग मूवी देखने गए हुए थे, वहाँ से फ्री हुए हैं। मैंने ज़रा नींद पूरी की, फिजा को एयरपोर्ट से छोड़ के 10 बजे आए हैं, काम को भी रेस्ट की जरूरत थी। अब जा रहे हैं कि बैठने के लिए चाय शाय लेके, चले चलते हैं। जहर कैसी थी मूवी, कैसी थी? आप लोग भी मत देखना, ये क्या था, सर्कस। भी मत देखना, अगर आपने ये मूवी देखने जाने ना तो आप जुड़वा टू, अब YouTube पे जुड़वा टू देख ले, YouTube पे आ गई है। ये रात में चर्च का रश देखे, चर्च उस दिन आपको दिखाया था ना, यहाँ पर इतना रश है कि सिक्योरिटी भी आई हुई है, इतना रश है कि सिक्योरिटी आ रही है। देखिए प्लम केक काफी उनका चल रहा है कुछ यहाँ पे, वो भी सजा हुआ है। देखिए सुसु कर दी है, सुसु कर दिया तूने, ये पोटी कर दी है। मिस नहीं किया तूने मुझे? बिल्कुल भी नहीं किया। कुत्ते की शक्ल है। सर्कस मूवी देखी, उसके अंदर भी तू जैसे जोकर ही कुत्ते, तू तेरी तू भी उसके अंदर ही था। ये देखे
सही प्यारियां चल रही हैं क्रिसमस की। ये गेम चलने लगी है एमडी का आईक्यू चेक करने के लिए। एमडी के अंदर तो आईक्यू आई नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, मैं लगाऊंगी। मैं एमपी पे, मेरे पैसे एमपी पे। आई एम श्योर एमपी ने जीत जाना है। तेरे एनी डे तेरे से जीतना है। ब्लैक येलो रेड पर्पल ब्लैक येलो रेड पर्पल को पूरा देखे एमडी के व्लॉग में। गाड़ी का कलर क्या है? मेरा दिल चाह रहा मैं इसको मारूं। मैंने नहीं देखा लेकिन मुझे समझ आ गई। गाड़ी का कलर क्या है? ब्लैक ब्लैक इसका जवाब है। इस गाड़ी का कलर क्या है? इसको रिपीट करना है। ये हाँ एमडी, इस गाड़ी का कलर क्या है? इस गाड़ी का नाक कटाऊ है तू, डुबाऊ है तू। आज मुझे इतनी शर्म आ रही है ना इस इंसान से। बार्सा का फुल फॉर्म क्या है? बार्सिलोना। बार्सिलोना कहाँ पे है? स्पेन। स्पेन मारो मुझे, मारो। हिना ने मुझे धोखा दिया गाइस। अच्छा गाइस, हिना ने मुझे धोखा दिए। हिना फरार हो गई है एमपी के साथ। बकवास। असबा वो तेरा आदमी किधर चला गया? देखिए एक मिनट, इसका आदमी ना कोई गेम सोच रहा होगा। मेरे पैर में दर्द हो रही थी, अभी ये सारे खड़े फिर से एक और गेम खेल रहे हैं। एमपी ने एक और गेम निकाल ली है और यार बैठ के देखते हैं। पिछली में तो इसने नाक ही कटवाई है हमारी। भूख का मेरे इंतजाम, इसके देखे प्लेट्स।